उज्जैन में 19 जनवरी को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत उज्जैन जिले के चरक अस्पताल में अपर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी, एडीएम आरपी तिवारी, संयुक्त संचालक स्वस्थ डॉक्टर लक्ष्मी बघेल, सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परमार ने बच्चों को दो बूंद जिंदगी की पिलाकर की। उज्जैन जिले में 2,86,000 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष उम्र तक के सभी बच्चों को दो बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। पोलियो की स्थिति तो ये है कि पूरे देश में कहीं भी पोलियो नहीं है। अभी ये जो अभियान चलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है कि विश्व में पोलियो के कीटाणु है और अपनी बदकिस्मती की अपने जितने पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हालांकि बांग्लादेश भी पोलियो फ्री घोषित हो चुका है लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो और नाइजीरिया में पोलियो, तो वहाँ से कीटाणु अगर किसी भी वजह से देश में आए तो उसकी वजह से बीमारी नहीं फैल सके और बच्चों को सुरक्षा मिल सके, इसलिए पोलियो। विभाग द्वारा इस हेतु संपूर्ण जिले में पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं जहां दो बूंद पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। भारत में पोलियो की कीटाणु खत्म हो गया है लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अभी भी पोलियो के कीटाणु हैं जो भारत में किसी भी कारण से आ सकते हैं, इसलिए पल्स पोलियो दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अभियान के दौरान ईंट भट्टे निर्माण स्थल एवं घुमक्कड़ आवास स्थल पर विशेष ध्यान देकर लक्ष्य का 100% पूर्ति का प्रयास किया जाएगा। आज चरक अस्पताल में अपर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी, एडीएम आरपी तिवारी, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य, सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई। सभी ने समस्त माता पिताओं, अभिभावकों, पालकों से अपील की गई है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को दिनांक 19 जनवरी 2020 को अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। उज्जैन जिले में 2,86,000 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मैडम देखिए, 2,86,000 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 2,213 हमारी दल हैं, उसमें 4,426 दल कर्मी लगे हैं, 216 सुपरवाइजर हैं और अलग अलग प्रकार के दल बने हैं, ट्रांजिट है जो कि आवागमन स्थलों पर रहेंगे मंदिरों में या जहाँ लोग बाग दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर, और अपने रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड पर मोबाइल टीम जो होगी वो ऐसे स्थानों पर होगी जो कि पहुँच विहीन है, जैसे ईंट भट्टे हैं, गिट्टी खदान हैं या जहाँ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लोग वहाँ टेम्प्रेरी आए हुए हैं, उनके लिए मोबाइल टीम की व्यवस्था।